हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो फाइनली वर्ल्ड का सबसे पहला जो मार्केट में ऑफिशियली 200 मेगापिक्सल के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, और वो है मोटोरोला की तरफ से। हाँ दोस्तों, मोटोरोला X30 Pro, ये जो स्मार्टफोन है वो आपको 200 मेगापिक्सल लेंस के साथ में देखने को मिल जाता है। अभी उन्होंने कितना ऑप्टिमाइज़ किया है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन है नहीं, लेकिन स्पेसिफिकेशन आपको बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, इसमें आपको चिपसेट फ्लैगशिप लेवल का मिलता है, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1। हाँ दोस्तों, ये एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है। साथ में आपको 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वेरिएंट का ऑप्शन भी मिल जाता है इसमें। इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.67 इंच का FHD+ POLED डिस्प्ले, जिसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। मतलब डिस्प्ले भी देखा जाए तो फुल पावर पैक है, और ब्राइटनेस भी इसकी जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा। अगर आप कहीं बाहर जाते हो इसको लेकर, तो आपको क्लियर जो है इसका डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके जो सबसे मेन हाईलाइट है वो इसका कैमरा। इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का एक और सेंसर मिल जाता है जो साइज से डेप्थ सेंसर है। सामने की तरफ 60 मेगापिक्सल की जो आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है, मतलब शायद से मैं ऐसा पहला स्मार्टफोन देख रहा हूँ जो ऑफिशियली आपको 60 मेगापिक्सल का जो है सेंसर दे रहा है सेल्फी में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखने में तो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है स्मार्टफोन। अभी जब ये टेस्ट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि इसका कैमरा कैसा है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इन डिटेल कैमरा के जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको बताऊं, तो कमेंट करके जरूर से बता देना, उस पर भी आपको एक वीडियो दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी कैमरा के बारे में। बैटरी आपको मिलती है 4610 mAh की। यहाँ पर आपको 125W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो सिर्फ इस स्मार्टफोन को 19 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। और ऐसा कंपनी बोलती है, अभी ऑफिशियली क्या है चीज़ें हमको तो ये नहीं पता है, ना थोड़े दिनों के बाद में पता चलेंगे जब भी यूट्यूबर्स रिव्यू करेंगे इस स्मार्टफोन को। फिलहाल तो ये ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है। और आपको एक 50W का वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है इसके साथ में, तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये सपोर्ट करता है, मतलब देखा जाए तो फुल ये जो स्मार्टफोन है पूरा वो एक कंप्लीट पावर पैक है, और एक अलग लेवल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। प्रोसेसर की बात किए जाए, कैमरा तो ऑब्वियसली है ही, बैटरी के मामले में भी अच्छा है, और इसके अलावा जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी तगड़ा है। तो देखा जाए तो फ्लैगशिप में तो मैं अभी फ़िलहाल ये नंबर वन ही कहूँगा स्मार्टफोन, क्योंकि स्पेसिफिकेशन है वो कोई स्मार्टफोन और देता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये अभी लॉन्च हुआ है कहाँ, ग्लोबली, तो ये इंडिया में फ़िलहाल तो नहीं आया है। जब भी आएगा तो चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, और प्राइस में भी ऊपर नीचे होगा, तो ये चीज़ें मिलेगी आपको इंडिया में लॉन्च होने के बाद में। इसके अलावा इसके प्राइसिंग की बात करते हैं कन्वर्ट करके, तो ये यूरोज में कुछ है इसकी प्राइसिंग। तो 8256 जो वेरिएंट है, तो 8128 इसका बेस वेरिएंट है, जिसकी प्राइस है 43,000 के आसपास। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है, और स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो बहुत ही कम प्राइस है। ऐसे स्मार्टफोन्स और भी है जो आपको काफ़ी हाई प्राइस में जो है काफ़ी कम स्पेसिफिकेशन देते हैं, तो ये चीज़ें भी है, तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, और प्राइसिंग भी बहुत ही सही है। इसके अलावा एक और वेरिएंट आता है 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग है 48,000 के आसपास। और सबसे लास्ट वेरिएंट है 12 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 55,000 रुपीज़। देखा जाए तो प्राइसिंग ठीक है, स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही अच्छे हैं मैं कहूँगा। वैसे तो ऑन पेपर सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, अभी देखेंगे कौन कौन यूट्यूबर्स क्या क्या वीडियो इस पर डालते हैं। मतलब मेरे पास तो स्मार्टफोन आएगा नहीं, अगर मेरे को कुछ मिलता है मौका तो ज़रूर से आपको वीडियो बनाऊंगा, ये कहने की बात नहीं है, ये मेरा काम ही है। तो हाँ, देखता हूँ मैं, काफ़ी सारे लोगों के रिव्यूज़ वीडियोज़ वगैरह देखूँगा, और एक और वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा कि क्या क्या चीज़ें डिटेल में इसमें मिलती है आपको, इसमें जो कैमरा है वो कैसा है, सभी चीज़ें मैं रिसर्च करूँगा अच्छे से। अभी ये फ़िलहाल स्पेसिफिकेशन से जितना ये लॉन्च हुआ था, जितना उन्होंने बताया, वो सारी चीज़ें आपको बता दी है मैंने। वैसे ये आप कहीं पर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और कुछ एड ऑन चीज़ें भी बताई, इसीलिए मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो इतना आए हो तो लाइक कर ही देना यार, और लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पसीना हो जाता है ऐसे वीडियोज़ बनाने में। हाँ तो प्लीज़ यार कर देना मेहनत के लिए। तो चलो, मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।